सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड इंजीनियर्स की पाठशाला। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आप सभी स्टूडेंट्स को वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज मस्त तरीके से हम लोग स्टार एंड डेल्टा के कनेक्शंस का पार्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। यस, तो आज का जो टॉपिक है उसके बाद स्टार डेल्टा का कनेक्शन पोर्शन जो है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाकी की चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। अन अकेडमी की प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है, जिसका टारगेट एग्जामिनेशन गेट, IRMS, ESE और CSE है, ये अवेलेबल है आप सभी के लिए। गोल नेम इज गेट ESE EN EC। ठीक है, तो नया बैच जो है ये शुरू हो रहा है इसमें 28 जनवरी से, और उड़ान 2024 और बुनियाद 2025 के नाम से ये बैच है, जिसमें ये दोनों सेशंस आपके शेड्यूल्ड हैं। GA1111 का कोड आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंप्लीट टीम अन अकेडमी एंड गेट अकेडमी EN EC की टीम आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज की टीम आपको यहाँ पर गाइड करेगी थ्रू वेरियस सब्जेक्ट्स। अनलॉक कोड यहाँ पर भी है, GA1111। नेक्स्ट अगर बात करें तो अन अकेडमी की गेट एंड ESE EE के कोर्सेज में आपको 30% का ऑफ मिलता है इस रिपब्लिक डे पर। तो ये उड़ान और बुनियाद बैचेस पे लागू होता है, जो गेट 2024-25 की है, जो कि 28 जनवरी से शुरू भी हो रही है। तो ये जो प्राइस वैलिडिटी है ये 28 जनवरी तक एप्लीकेबल है ना। और प्राइजेस जो है वो 10% बढ़ने वाली हैं बहुत जल्दी ही। तो इसमें प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है 24 महीने का वो आपको मिलता है 47766 में, और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है 31,412 रुपये में। ठीक है, प्राइस हाइक के बाद ये अमाउंट जो है वो ऐसा हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो 24 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है 61,375 रुपीज़ में, एंड फॉर 12 मंथ्स दिस सब्सक्रिप्शन इज रेटेड एट 44,048 रुपीज़। लेकिन आफ्टर द प्राइस हाइक ये एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा इनका। तो GA1111 कोड यूज़ करके आप इस डिस्काउंटेड अमाउंट में कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। और अप टू 30% ऑफ आपको मिल रहा है किस पर? उड़ान और बुनियाद बैच पर। ठीक है, उड़ान बैच और बुनियाद बैचेस पर जो 28 जनवरी से शुरू हो रही है। ठीक है, ये जो ऑफर है यहाँ पर इसमें 28 जनवरी तक की वैलिडिटी है इस ऑफर की। उसके बाद 10% प्राइस बढ़ने वाला है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस एंड क्लासेस मिलेगा आपको, इन क्लास डाउट सॉल्विंग बाय टॉप एजुकेटर्स, एक्सेस टू डिजिटल नोट्स एंड होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और एक्सेस टू 5,600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और एंड PYQs ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर यूजिंग द कोड GA1111। नेक्स्ट, तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आप देख सकते हैं कि गेट के जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उन पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, EE EC ME EC CS IT सब ब्रांचेस के लिए। तो इंग्लिश का अगर आप कंटेंट लेते हैं 30 महीने के लिए, ये आपको मिलता है 6666 पे, और 15 महीने का कंटेंट 4,888 रुपीज़ में मिलता है। इस अमाउंट का आपको सेविंग होता है ओवर दिस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो आपको पे बस इतना ही करना होता है इनमें से, जो भी जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप कोर्स लेते हैं। हिंदी इंग्लिश का कंटेंट लेते हैं तो 30 मंथ्स के लिए आपको 4,443 रुपीज़ पे करना होता है, और 15 महीने के लिए आपको 3,554 रुपीज़ पे करना होता है। ठीक है, 30 मंथ्स और 15 मंथ्स का ये लिस्टेड प्राइस है, और इतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस प्राइस पर परचेज करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोड आपको यूज़ करना होगा GA1111, जिससे कि आप ये डिस्काउंटेड अमाउंट में कोर्स को परचेज कर सकेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उड़ान बैच, है ना, जो एक ही बैच है फॉर गेट ESE IRMS CSE मेंस 2024 के लिए, 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये हिंदी इंग्लिश कंटेंट है, EE EC के लिए है, ये बैच बी के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें स्टार्ट होगा ओरिएंटेशन सेशन बाई उमेश ढांडे सर। तो ये इसकी USPs है, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या मेन चीज़ें हैं, मेजर जो कंटेंट आपको मिलेगा, जैसे एक्सेस टू ऑल गेट डिजिटल बुक्स ऑन वेब एंड ऐप, है ना, ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा इंडिया टॉप एजुकेटर्स का पढ़ा हुआ कंटेंट है, लाइव टेस्ट और क्विज है, फॉलोड बाई एनालिसिस क्लासेस है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। 5,600 से ज़्यादा यूनिक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल रहा है, एक्सेस टू PYQs एंड वीडियो सोल्यूशन है। तो इतना सब कुछ इसके अंदर है, डेली डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी है साथ में। ठीक है, बुनियाद बैच की मैं अगर बात करूँ तो बुनियाद बैच में भी आप देख सकते हैं ये भी गेट ESE IRMS CSE मेंस 2025, इन सब के लिए अगर आप एक साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक अकेला बुनियाद बैच काफ़ी है। हिंदी इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है, EE EC के फॉर्मेट में कंटेंट है, दिस इज बैच बी। 28 जनवरी से इसमें क्लासेस जो है आपके शुरू हो जाएंगी। इसका भी सेशन जो है वो लाइंड अप है ऑलरेडी। GA1111 कोड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आप गेट ESE EE EC का जो ड्रीम है उसे पूरा कर सकते हैं, है ना, और इसे कंटेंट्स को आप EMI पर भी परचेज कर सकते हैं।
और नो कॉस्ट ईएमआई यहाँ पर अवेलेबल है, एंड 0% इंटरेस्ट ऑन द लोन ये भी अवेलेबल है, एज लो एज 2239 रुपीज़ पर मंथ के कॉस्ट पर भी अवेलेबल है। लगभग 2 घंटे के अंदर अप्रूवल आपको मिलता है इसमें। मिनिमल पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप इसे इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट AIMT, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, इसकी अगर आप तैयारी करते हैं गेट 2023 के एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलता है गेट 2023 का। तो इन डेट्स पर आपको ये एग्जामिनेशन मिलते हैं, और AIMT इज इवन बिगर दिस टाइम। क्यों? इसका रीजन है कि क्वेश्चंस क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी, ठीक है। फिर टॉप 3000 रैंकर्स टू गेट अप टू 1 करोड़ वर्थ का स्कॉलरशिप, और नेक्स्ट है डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगा अलॉन्ग विद द वीडियो सॉल्यूशंस, ठीक। कोड क्या यूज़ करना है यहाँ पर? GA1111, ये कोड आपको यूज़ करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल हो जाएंगे इससे आप, और इन केस ऑफ एनी डाउट आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट थिंग, तो आप देख सकते हैं अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शंस क्या है। प्लस सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? एक्सेस टू क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स इसमें आपको मिल रहे हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसका ये चार्जेस जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 24 महीने का है तो क्या अमाउंट है, ऐसा इस तरीके से। GA1111 कोड आप यूज़ करेंगे, और अगर मान लीजिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो इसमें ये सारी चीज़ें मिलती है, यानी कि टेस्ट सीरीज भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, सब एजुकेटर्स बेस्ट एजुकेटर्स भी हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज है, 1:1 लाइव मेंटरशिप है, और कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग है ये पूरा। तो इसकी कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। देन ये एडिशनल बेनिफिट्स आप देख सकते हैं सेपरेटली। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन से फ्यूचर क्या है, बेनिफिट क्या है, ये आप देख सकते हैं ये प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में। तो इतना पोर्शन तक आपको प्लस में मिलता है, ये पूरा आपको किस में मिलता है? प्लस सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। और पूरा कंबाइंड फॉर्म में अगर आप सारे के सारे फीचर लेना चाहते हैं, तो ये आपको मिलता है इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसमें आपको अलग से डाउट सॉल्विंग, प्रिंटेड नोट्स, 1:1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लानर मिल रहा है अलग से, इंटरेक्टिव ओपन हाउस सेशन आपको मिल रहा है। तो ये सारी फीचर्स आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाती है, ठीक है। सो ये हमारे सब जो प्राइड ऑफ गेट एकेडमी है, अपने टॉप रैंकर्स EEC के है ना, ये आप देख सकते हैं। और आप गेट एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, है ना, थ्रू दिस लिंक। जितने भी अपडेट्स हैं, PDF से नोट्स हैं, वो सब इस पर आपको मिल जाएंगे। और GA1111 टीम गेट अकेडमी का ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट, स्टार्ट करते हैं कंटेंट का पोर्शन, ठीक है। तो एक बार सभी लोग एकदम मस्त तरीके से रेडी हो जाइए। एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने मेजर कंटेंट पोर्शन को। तन्मय, वेरी गुड मॉर्निंग डियर राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर। तो देखते हैं, तो अब हम लोग पहुंच गए 3 फेज AC पर। आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इस 3 फेज AC में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? जनरेशन पढ़ चुके हैं, फेजर एंड इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं इसका, ठीक है। फेज सीक्वेंस बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस का पार्ट, लाइन एंड फेज क्वांटिटी कल देखे थे, और कनेक्शन इन 3 फेज AC। कनेक्शन इन 3 फेज AC में हम लोगों ने शुरू किया था स्टार से, स्टार कनेक्शन से स्टार्ट किया था। डेल्टा आज पढ़ेंगे, ठीक है, इसको शुरू कर चुके हैं। रिलेशन इन द लाइन एंड फेज क्वांटिटीज फॉर स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, ये स्टार के लिए आप कल पढ़े थे नाइट में, ठीक है। आज डेल्टा के लिए अभी पढ़ेंगे, और इसको पढ़ते ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये 3 छोटा छोटा पोर्शन बचेगा और आपका 3 फेज AC कंप्लीट हो जाएगा। वैसे पढ़ने वाला पोर्शन तो 2 ही है इसके अंदर, तीसरा तो कैलकुलेशन है बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सगुन, अगेन वेरी गुड मॉर्निंग डियर। तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, आज देखते हैं अबाउट द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, ठीक। डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज AC, ठीक है। डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज AC, बस कुछ नहीं, बिल्कुल शॉर्ट से रखेंगे सेशन को, बस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे का पोर्शन जो है वो कल से वापस सेम टाइम पर हम लोग जो पढ़ेंगे उस पर हम देखेंगे, ठीक है। क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे ना बारिश की वजह से। हाँ, अभी नेटवर्क उस तरफ दूसरे बहुत सारे रीजन्स में अभी जो बारिश हो रही है उसकी वजह से नेटवर्क का इशू तो होगा, UP वगैरह के रीजन में थोड़ा सा है बारिश का मौसम, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी आप चाहो तो देख सकते हो इन चीज़ों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो कंडीशन यहाँ पर भी सेम अज्यूम कर लेंगे हम लोग। कंडीशन क्या अज्यूम्ड है कि हम लोगों ने 3 फेज बैलेंस्ड AC जनरेटर जो है उसकी तीनों कॉइल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखता हूं मैं, लेट अस अज्यूम दैट
अ थ्री फेज बैलेंस्ड, अ थ्री फेज्ड बैलेंस्ड, अ थ्री फेज बैलेंस्ड जनरेटर कॉइल्स आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड इन डेल्टा फॉर्मेशन, आर कनेक्टेड इन डेल्टा फॉर्मेशन। एक बार पूरे का कंक्लूजन भी एक दिन मैं बता दूंगा आप सभी को। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसे। तो अब डेल्टा कनेक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक टू बैक कनेक्शन, है ना, डेल्टा कनेक्शन, या जिसे बैक टू बैक कनेक्शन भी बोला जाता है। तो थ्री फेज की जनरेटर वाइंडिंग्स को जो कि सिमेट्रिकल इन नेचर है उसको हम लोगों ने डेल्टा फॉर्मेशन में कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। अब सिस्टम सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने से फायदा यह होता है कि लाइन क्वांटिटीज सब बराबर, यानी कि वोल्टेज है तो सब वोल्टेज के बराबर, करंट है तो सब करंट एक दूसरे के बराबर, फेज क्वांटिटीज भी सब एक दूसरे के बराबर, ठीक है। अगर फेज में वोल्टेज है और फेज में करंट है तो सबके कंडीशन पर यही रहेगा, ठीक है। स्टारलिंग स्टार वेरी गुड मॉर्निंग डियर, ठीक। चलिए तो अब इसके अंदर देखते हैं कि यहां पर अगर मान लो ऐसे वाइंडिंग के ऐसे कॉइल्स डले हुए हैं, ठीक है, ये थ्री फेज की वाइंडिंग है, थ्री फेज जनरेटर की वाइंडिंग है ये सब, ठीक है, ये सब थ्री फेज जनरेटर की वाइंडिंग्स। तो इनके केस में इसका रिप्रेजेंटेशन बनता कैसे है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये बैक टू बैक कनेक्शन भी कहलाता है जिसको डेल्टा कनेक्शन हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अ बैक टू बैक कनेक्शन। तो एक कॉइल जहां पर एंड हो रही है वहां से दूसरी वाली कॉइल जो है वो स्टार्ट हो रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर, ठीक है। एक कॉइल का एंडिंग पॉइंट, दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस हिसाब से तो आर वाई बी और वन टू थ्री तीनों का नोटेशन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। लेट अस सपोज इसको आर, इस पॉइंट को वाई और इस पॉइंट को बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो एट द सेम टाइम इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग वन टू और थ्री भी बोल सकते हैं। दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस पॉइंट इज टेकन एज थ्री। ऐसा इसलिए सो दैट कि जब मैं आगे चल के लाइन और फेज वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन करूं तो एक जगह वी आर वाई लिख रहा हूँ और दूसरी जगह फिर से वी आर वाई लिख दूंगा तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा लाइन है कौन सा फेज है। तो एक को आर वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो दूसरे को उसी दो टर्मिनल के बीच, उसी दो नोड्स के बीच में मैं वन टू के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकूं, इसलिए ऐसा मैंने किया। चलिए तो यहां पर फेज वोल्टेज सबसे पहले ट्रेस करते हैं, ठीक है। लेट अस सी कि फेज वोल्टेज यहां पर कौन कौन सी है। तो आर से वाई के बीच में या वन से टू के बीच में जो फेज वोल्टेज है, दिस इज वी वन टू, करंट आई वन टू, ठीक है, वी वन टू यहां से वन से टू। भाई फेज का सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और पॉजिटिव फेज सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो आर वाई बी फिर से आर वाई बी, यही फेज सीक्वेंस लगातार चल रहा है। तो इसीलिए वन से टू के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, आर से वाई की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए वी वन टू लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, आई टू थ्री, टू से थ्री के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या बन जाएगा, वी टू थ्री। और इधर क्या हो जाएगा, थ्री से वन की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा आई थ्री वन और वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी थ्री वन, ठीक। चलिए तो ये हमको मिल गए फेज वोल्टेजेस, दीज आर ऑल आवर फेज वोल्टेजेस। और इधर पे है हमारे पास फेज करंट्स, ये सब फेज करंट है। ठीक है, ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन, ये करंट का एक्सप्रेशन। तो यहां तक तो मिल गया हमको सब सब जितने भी हैं सब के सब फेज क्वांटिटीज हैं, ठीक। अब लाइन क्वांटिटी की बात करते हैं जरा, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में अब लाइन क्वांटिटीज कहां कहां पर है देखिएगा ध्यान से। तो इस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन क्वांटिटी में सबसे पहले मैं लिखता हूं आर से वाई के बीच का वोल्टेज, वी आर वाई, ठीक है। देन वाई से बी के बीच का वोल्टेज, वी वाई बी, और बी से आर के बीच का वोल्टेज है तो वी बी आर। सेम वैसी नोटेशन बनाया मैंने जैसा स्टार में बनाया था। तो वी आर वाई फेज सीक्वेंस के हिसाब से, अगला है वी वाई बी और थर्ड है वी बी आर। ठीक है, वी आर वाई, यहां पर वी वाई बी और इस पॉइंट पर वी बी आर, ऐसा। तो ये हमारे पर्टिकुलर फेज सीक्वेंसेस के हिसाब से ऐसा बन गया।
ठीक, ये सब हमारे एक्सटर्नल टर्मिनल्स हैं, इसीलिए टर्मिनल टू टर्मिनल का जो सेगमेंट्स है या जो लाइन टू लाइन का सेगमेंट्स है वो सब लाइन वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, जो फेस टू फेस का पोर्शन है वो सब फेस क्वांटिटीज कहला रही है। अब इसी से फ्लो होने वाली करंट, क्योंकि अब ये जनरेटर है, तो जनरेटर है तो सारी की सारी करंट बाहर की तरफ जाएंगी, तो करंट्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फर्स्ट वन इज आई आर, दूसरी जो करंट है आई वाई, और तीसरी जो करंट है आई बी, सब आउटगोइंग। इसकी जगह अगर लोड होता तो करंट्स इनकमिंग आती, करंट जो है वो अंदर की तरफ आती बाहर से। ठीक है, तो कभी किसी किताब में अगर आप देखोगे डेरिवेशन लोड के फॉर्म में अगर दिया है तो वहां पे करंट की डायरेक्शन उल्टी दिखेगी आपको, या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय डायरेक्शन इनकमिंग की तरफ दिखेगा ज्यादातर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इंपिडेंस दिया रहेगा। ठीक है, तो ये सभी क्वांटिटी हमको ऐसे एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो एग्जामिनेशन में जब इसका सवाल आएगा, ये 7 नंबर में, 10 नंबर में, ऐसे किसी भी मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक, तो इसको आपको आंसर करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट लिखते हैं आगे, फॉर अ थ्री फेज बैलेंस्ड सिस्टम, फॉर अ थ्री फेज बैलेंस सिस्टम क्या क्या होने, क्या क्या चीजें होती है भाई? सबसे फर्स्ट थिंग, लाइन वोल्टेजेस, लाइन वोल्टेजेस, इनका क्या हो रहा है? देखिए, जितने भी लाइन वोल्टेजेस हैं उन सब का रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे लिखोगे, कैसे? सबको लिखोगे आप वी एल, दैट इज इक्वल्स टू जितने भी लाइन वोल्टेजेस हैं, जैसे वी आर वाई, वी वाई बी, वी पी आर, ये सब के सब कौन है? ऑल ऑफ दीज आर द लाइन पोटेंशियल्स, तो सब एक दूसरे के बराबर होंगे। सिमिलरली लाइन वोल्टेज के जैसे ही आप लाइन करंट्स को भी एक्सप्रेस करोगे, सेम जैसा हम लोग कल की क्लास में किए थे। सो व्हाट अबाउट द लाइन करंट्स? देखिए, अब लाइन करंट में भी एक्सप्रेशन अपना ऐसे ही है। सभी लाइन करंट्स को आप कैसे शो करेंगे? लाइन करंट्स को कलेक्टिवली आप आई एल से शो करेंगे। ठीक है, और ये जितने भी लाइन करंट्स हैं सब तो एक दूसरे के बराबर है ना, क्योंकि सिस्टम सिमेट्रिकल है, तो आप जितने लाइन करंट्स उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, इक्वल टू आई आर, इक्वल टू आई वाई, इक्वल टू आई बी, सो दीज आर ऑल लाइन करंट्स। ठीक, अच्छा, अब वैसे ही फेस क्वांटिटीज का एक्सप्रेशन भी बना लेते हैं। तो वैसे ही सेकेंड पॉइंट पे आप लिखिए, ए पॉइंट, फेज वोल्टेजेस, फेज वोल्टेजेस क्या क्या है? तो फेज वोल्टेजेस में आप लिख सकते हैं कि वी पी एच, इनको कैसे डिनोट करेंगे, कौन कौन से फेज वोल्टेज हैं, तो देखते हैं यहां पर। फेज वोल्टेज है वी वन टू, वी टू थ्री और वी थ्री वन, सब इक्वल, वी वन टू इक्वल्स टू वी टू थ्री इक्वल्स टू वी थ्री वन, तो कलेक्टिवली सबको वी पी एच लिख सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट पर फेज करंट्स का अगर एक्सप्रेशन बनाए, फेज करंट्स का अगर एक्सप्रेशन बनाए तो इनको कैसे लिखेंगे? इसको आई पी एच से डिनोट करेंगे। किसके बराबर है? आई वन टू, आई टू थ्री, आई थ्री वन, तो ये सब फेज करंट्स है। ठीक है, इनके बराबर है ये सब, इन सबको हम लोग आई पी एच से डिनोट कर सकते हैं या वी पी एच से डिनोट कर सकते हैं अगर वोल्टेज की बात। तो इतना रिलेशन तो हमारा फिक्स है ना, इतना तो फिक्स है कि ये चीज़ें तो होनी ही होनी है सर्किट के अंदर। तो अब बाकी की चीज़ें जो है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज तन मैंने लिख दिया पहले से, है ना, फेज करंट्स, हाँ बिल्कुल सही सगुन। ठीक है, तो यहाँ तक ओके। तो ये तो सेम पोर्शन है जो स्टार में किया था, अब डेल्टा में नया क्या हो रहा है? तो अब हम लोगों को करना ये है कि ये लाइन क्वांटिटीज जितने भी लिखे हैं उनको फेज क्वांटिटीज के साथ रिलेट करके देखना है कि ये कैसे जुड़े हुए हैं, इससे इक्वल है या रूट थ्री टाइम्स में आता है रिलेशन, जो भी है, जैसा कल डिराइव किया था। ठीक है, चलिए अब इसके डेरिवेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं हेडिंग में कि रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज। सबसे पहले लिखते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेजेस, रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज वोल्टेजेस। ठीक है, देखते हैं अब लाइन और फेज वोल्टेज आपस में कैसे रिलेटेड है। बिल्कुल क्लियरली यहां पे विजिबल है, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे बहुत आसानी से क्लियरली दिख जाएगा आपको कि जो वी वन टू में लिख रहा हूं वही वी आर वाई भी है। अरे वन और टू तो आर और वाई ही है ना, वैसे भी बस नाम का ही तो अंतर है।
तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज यहाँ डेवलप हो रहा है जिसको फेज वोल्टेज बोल रहे हो, इसी दो पॉइंट्स के बीच के डेवलप वोल्टेज को लाइन वोल्टेज भी आप बोल रहे हो, तो मतलब दोनों तो एक ही है। तो डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हैं इसमें कि वी आर वाई इज इक्वल्स टू वी वन टू, वी आर वाई इक्वल्स टू वी वन टू, ठीक है। सिमिलरली वी वाई बी इक्वल्स टू वी टू थ्री और वी बी आर इक्वल्स टू वी थ्री वन। ये रिलेशन आपको पूरा एंटायर सर्किट के अंदर दिख जाएगा, पूरी सर्किट में यही रिलेशन है, हर जगह ऐसे ही सीन है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये सब कौन सी वोल्टेजेस हैं, दीज आर ऑल लाइन वोल्टेजेस। तो आप बोल सकते हो देयर फॉर वी एल। और इधर जो मैंने लिखा है ये कौन सी वोल्टेजेस है, दीज आर ऑल फेज वोल्टेज वी पी एच। तो डेल्टा के केस में पहला रिलेशन मिल गया आपको कि जितने लाइन वोल्टेज होते हैं वो सब फेज वोल्टेज के बराबर है। स्टार में ऐसा नहीं था, स्टार में अलग सीन था। स्टार में आप लोगों ने लिखा था कि वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी पी एच, बट डेल्टा में सिनारियो पूरा बदल गया है। डेल्टा में अब कंडीशन इज डिफरेंट, ठीक है। डेल्टा में जो सिनारियो है इट इज एंटायरली डिफरेंट। तो क्लियर है यहां तक का पोर्शन आप सभी को, जल्दी से बताइएगा एक बार, है ना, एक बार जल्दी से फटाफट से बताइएगा। चलिए बढ़िया, अब इसके बाद आगे तो रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज यहां तक तो हो गया। अब ऐसे ही आपको लाइन और फेज करंट्स का एक्सप्रेशन जो है ना वो भी देखना होगा, रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज करंट्स। लेट्स सी, रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज करंट्स, लाइन एंड फेज करंट्स। ठीक है, चलिए। सर यूपीपीसीएल जेई के लिए 2 ईयर वाला डिप्लोमा मांगते हैं या 3 ईयर? 3 ईयर कंपलसरी रहता है राजीव, 3 ईयर कंपलसरी रहता है, या दोनों से जेई की मिलती है ना? हाँ, पोस्ट दोनों से जेई की, बट 3 ईयर ही लिखा रहता है उसमें। एसी सर्किट के क्लास आपका कहाँ मिलेगा सर? एसी सर्किट का क्लास जो है अक्रम, वो इसमें क्रैश कोर्स में भी अवेलेबल है, और अभी जस्ट रिसेंटली हम लोग पढ़े हैं, तो आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली उसको आप फॉलो कर सकते हो, अवेलेबल है। बट प्लेलिस्ट नहीं है इसकी, तो प्लेलिस्ट नहीं है तो इसलिए आपको उसमें लेक्चर वाइज ही देखना पड़ेगा। टॉपिक लिखा हुआ हेडिंग में ऊपर ही आपको दिख जाएगा, तो उसे आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट जब क्रिएट हो जाएगी ना तो ये दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। अरे वाह, एबीसी ने लिखा है हैप्पी सरस्वती पूजा एवरीवन, आपको भी डियर और सभी को, है ना, वेरी वेरी हैप्पी सरस्वती पूजा फिर तो, एंड वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एज वेल, है ना। सो रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज करंट्स ये कैसे शो होगा देखते हैं एक बार। क्या डायरेक्टली इक्वल बता सकते हैं क्या कि आई वन टू इक्वल टू आई आर है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट जो है इसकी मैग्नीट्यूड अलग है, ये डिवाइड होकर के पहुंची है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर दो तो केसीएल से आपको दिखेगा आई थ्री वन यहाँ से आ रही थी, इस पॉइंट पे आने के बाद ये स्प्लिट हो गई दो पोर्शन में, कुछ आई आर बन गई कुछ आई वन टू बन गई। तो इतना तो है कि ये जो लाइन करंट है ये इन दोनों फेज करंट्स का रिजल्टेंट है, जैसे कल के केस में हम लोग वोल्टेज के लिए देख रहे थे, ठीक है, कल के केस में जैसे वोल्टेज के लिए देख रहे थे वैसे यहाँ पे करंट का केस है। बट कल हम लोगों ने केवीएल लगाया था क्योंकि वोल्टेज की बात हो रही थी। अभी यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पे सिंपल सा थिंग है, आप केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज करंट्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताया नहीं, एक बिगिनिंग में एक छोटी सी चीज़ और लिखवा देता हूँ आप लोग को। यहाँ से आप लोगों का डेरिवेशन का पोर्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होता है, डेरिवेशन लगभग 7 to 10 मार्क्स का ये स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कॉपी में जब पूछेगा आपसे, किताब में जब भी, मतलब क्वेश्चन में जब भी आएगा ऐसा एग्जामिनेशन में, तो आप यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये एरो वगैरह सब बिगड़ गए, इसे मैं हटा देता हूँ, बाकी डेटा रहने देते हैं। है ना, ये पेज बदलने या पेज की साइज कम ज़्यादा करने से थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट इसमें आता है,
चलिए कोई नहीं, चलो यहाँ नहीं बदले ना, इट इज़ गुड. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन, बोलते ही बदल गए यहाँ पर भी. चलो इस सबको मैं हटा देता हूँ. ठीक है, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो. एरो इधर उधर पॉइंट करेगा तो आपको लगेगा सर ये कहाँ का वोल्टेज है, कहाँ का करंट है, ऐसी वाली कन्फ्यूजन एक माइंड में जाती है ना. तो वो ये ना हो सके इसलिए मैनुअली इसे ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, मैनुअली ड्रॉ करना इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं. चलिए बना लिए. तो अब इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट्स, लाइन एंड फेज करंट्स, अप्लाइंग केसीएल, अप्लाइंग केसीएल एट जंक्शन आर, जंक्शन आर बोल लो, जंक्शन वन बोल लो, जो भी है अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, है ना, ये चीज है. अक्रम लिखा कि सर आफ्टर आईटीआई के बाद जो डिप्लोमा करते हैं वो जेई के सभी फॉर्म भर सकते हैं सर, प्लीज हेल्प मी. हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन में अलाउ करता है, लेकिन कुछ एग्जामिनेशन जो है वो 3 साल का डिप्लोमा मांगता है पूरा. तो एक बार ना जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आप ऑप्ट कर रहे होंगे, एक बार उसका नोटिफिकेशन जरूर से देखिएगा, या पुराना नोटिफिकेशन भी अगर उसका देख लेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा, है ना, ये ज़रूरी है. तो अप्लाइंग केसीएल एट जंक्शन आर, जंक्शन आर पे अगर केसीएल लगाऊं तो इनकमिंग करंट मुझे दिख रही है I31, प्लस में लिखूँ इसको तो इनकमिंग करंट मुझे क्या दिख रही है I31, तो मैं लिखूंगा I31. ठीक है, फिर दोनों करंट्स बाकी की जो है वो आउटगोइंग है, जो आउटगोइंग है उसको माइनस में लिखना पड़ेगा, माइनस I12 और माइनस IR इक्वल्स टू जीरो KCL के अकॉर्डिंग, है ना. समेशन ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो, अलजेब्रिक सम. तो ये कर दिया मैंने, ठीक. लेकिन अब इसमें एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि IR जो है ये लाइन करंट है, इसको भेज दो और इसको फेज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं इसी लाइन करंट को. तो फाइनली आई कैन से कि IR इज इक्वल्स टू I31 माइनस I12. ये आ गया पहला इक्वेशन. अगेन यहाँ पर भी सारी की सारी चीज़ें वेक्टर फॉर्म में ही है, ये ध्यान रखिएगा. तो इन सब के ऊपर वेक्टर की टोपी जो है वो पहनानी ज़रूरी है. यस, ये सब वेक्टर फॉर्म में है ना. जैसे देखिए I12 और I23 दो अलग अलग फेज की करंट्स है, और दोनों फेज 3 फेज में आपने पढ़ रखा है कि वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होंगे. तो जो क्वांटिटीज 120 डिग्री अपार्ट है, जो क्वांटिटीज डिफरेंट फेजेस में है, उसको आप डायरेक्टली अल्जेब्रिक फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, उसको आपको फेजर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सूर्यकांत, हाँ डियर बिल्कुल. ठीक है, सिमिलरली अब जैसे यहां पे आप लोगों ने केसीएल अप्लाई किया, वैसे ही बचे हुए सब जंक्शन पे अप्लाई करते हैं. चलिए अगेन आगे लिखते हैं अप्लाइंग केसीएल, नेक्स्ट में देखते हैं अप्लाइंग केसीएल, अप्लाइंग केसीएल एट जंक्शन बी, बी नहीं अगला तो वाई है, तो जंक्शन वाई लिख लेते हैं. ठीक है, इसमें देखिए केसीएल लगेगा तो क्या क्या हो जाएगा. इनकमिंग करंट कौन सी है I12, तो इनकमिंग करंट पॉजिटिव लिखेंगे हम लोग तो प्लस में I12. ठीक है, आउटगोइंग करंट कौन सी है I23, तो माइनस I23 हो जाएगा, ये माइनस I23, और यहां से भी आउटगोइंग करंट है IY, तो लिखेंगे माइनस ऑफ IY. ठीक, तो इसका मतलब ये सब इक्वल टू जीरो. तो फाइनली यू कैन से कि IY इज इक्वल टू I12 माइनस I23. सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया. अगेन सब पे वेक्टर का साइन लगाना जरूरी है ना. ये सब फेजर फॉर्म में ऐड जो हम लोग लिख रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हुए, ये फेजर का फॉर्म है. तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ठीक, लास्ट बहुत ईजी है, KVL वाला, मतलब स्टार का एक बार आप समझ गए तो डेल्टा का तो तुरंत समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा आप सभी से. ठीक है, तो अब आखिरी वाला बी सेक्शन पे जल्दी बताइए इसका इक्वेशन क्या लिख रहे हैं आप लोग. सो अप्लाइंग अप्लाइंग केसीएल एट जंक्शन बी, ये बी जंक्शन पे देखिए इनकमिंग करंट I23, आउटगोइंग करंट I31 और IB.
तो इनकमिंग करंट इज आई टू थ्री, लिख देते हैं ठीक है। आउटगोइंग करंट माइनस आई थ्री वन, देखिए सब कुछ ग्राफ से ही है, मतलब सब कुछ इस सर्किट डायग्राम से ही है। सर्किट डायग्राम एक बार आपने सही बना लिया ना, तो यहाँ का एक्सप्रेशन अपने आप आपका करेक्ट आने लग जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं रहेगी। तो आई टू थ्री माइनस आई थ्री वन इधर है, और इस तरफ आउटगोइंग करंट माइनस आई बी इक्वल्स टू जीरो। सो फाइनली यू कैन ऑल्सो से कि आई बी इज इक्वल्स टू, आई बी इज इक्वल्स टू आई टू थ्री माइनस आई थ्री वन। ये हो गया आपका सेकेंड पोर्शन, मतलब थर्ड इक्वेशन भी आ गया। तो अब ये जो तीन इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस को ही आपको सॉल्व करना है। ये तीनों इक्वेशन क्या क्या दिखा रही हैं? तीनों इक्वेशंस में आपके हर एक लाइन करंट का फेज करंट्स के फॉर्म में ऑल्टरनेटिव या एक्सप्रेशन जो है वो मिल गया। आपने हर लाइन करंट को फेज करंट्स के कंपोनेंट्स के फॉर्म में शो कर लिया, ठीक। ऐसा एक्सप्रेशन सभी का आ गया, बिल्कुल सही सगुन, बिल्कुल सही तन्मय, बढ़िया। आई टू थ्री माइनस आई थ्री वन, राइट। चलिए तो इन सभी एक्सप्रेशंस को यहां पे लिख लेते हैं, इस पेज पर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। तो आई आर आई वाई आई बी, इनका क्या क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहां पे लिखते हैं। सेम वैसे ही इसके आगे सॉल्व होगा जैसे कल किए थे। तो आई आर आई थ्री वन माइनस आई वन टू, आई आर को लिखा आई थ्री वन माइनस आई वन टू, ठीक। फिर ये आई वन टू माइनस आई टू थ्री होगा दूसरा वाला, आई वन टू माइनस आई टू थ्री। नेक्स्ट है आई वन टू माइनस आई टू थ्री, और आखिरी वाला है आई टू थ्री माइनस आई थ्री वन। तो ये मेजर एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल गया, ठीक। ये सब वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर का सिंबल लगा दिया मैंने सबके ऊपर, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, अब अगेन आपको ये भी पता है कि ये जितनी भी लाइन करंट्स हैं सब एक दूसरे के बराबर है, क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए ऑल द लाइन करंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। इक्वल होने की वजह से आप किसी एक को भी फेजर फॉर्म में अगर एक्सप्रेस, फेजर फॉर्म से वापस स्केलर फॉर्म में लेके आ जाओ, तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा, जो रिलेशन मिलेगा लाइन करंट और फेज करंट के बीच में, वो रिलेशन सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आप किसी को भी सॉल्व कर लीजिए, लेट इट बी इक्वेशन वन, लेट दिस वन बी इक्वेशन टू, एंड दिस वन बी इक्वेशन थ्री, ठीक। तो किसी एक को भी लिखते हैं। सो अप्लाइंग अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन इक्वेशन, लेट अस सपोज टू कर देते हैं इस बार, ठीक है। कल की क्लास में फर्स्ट इक्वेशन से बनाए थे, किसी भी इक्वेशन से आप सॉल्व करिए, आपका आंसर तो सेम ही आएगा उसमें, देयर विल बी नो चेंज, डिट्टो सेम आएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप एग्जाम में किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। तो लेट अस सपोज कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग अप्लाई करें इन द सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा आई वाई इज इक्वल्स टू आई वन टू माइनस आई टू थ्री, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर देते हैं, दिस विल बिकम आई वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई वन टू का स्क्वायर प्लस आई टू थ्री का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ आई वन टू इंटू आई टू थ्री इंटू कॉस फाइव। अब सारी चीज़ों का मीनिंग बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था, सभी चीज़ों का मीनिंग जो है वो यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली सेम है। मतलब जब मैं आपसे पूछूंगा कि फाई यहाँ किसके बीच के एंगल है, तो आप बताएंगे कि इन दो क्वांटिटीज के बीच के एंगल है आई वन टू और माइनस आई टू थ्री के बीच का, ठीक है। तो फाई को यहाँ 60 डिग्री रख सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज है अंदर रूट के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है, दीज आर ऑल फेस करंट्स, फेस करंट सब एक दूसरे के बराबर है। तो एक जनरलाइज एक्सप्रेशन बनाने के लिए आप सबको आई पी एच लिख सकते हो। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्सप्रेशन है, दिस इज अ लाइन करंट्स का एक्सप्रेशन, तो इसे भी आप आई एल लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, किसी भी एक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे पैरेललोग्राम लॉ लगा के। तो फाइनली यू कैन राइट इट एज आई एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब रूट के अंदर क्या क्या हो जाएंगे, ये सब को आई पी एच के फॉर्म में आप लिखो, आई पी एच स्क्वायर प्लस आई पी एच का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ आई पी एच का स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको कॉस 60 डिग्री के फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। तो 60 डिग्री बोलने का मतलब ये है कि फाई जो है उसको मैंने 60 डिग्री रख दिया है ना, बिटवीन फाई मतलब किन के बीच का एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन आई वन टू एंड माइनस आई टू थ्री, एंगल बिटवीन आई वन टू एंड माइनस आई
2 3, ठीक है, I12 और माइनस I23 के बीच का एंगल है. ओके चलिए ठीक है, 60 पुट कर दिया. तो अब यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वी विल गेट IL इज इक्वल्स टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ IPH का स्क्वायर, रूट थ्री टाइम्स ऑफ IPH का स्क्वायर. अब वो ये तो कैंसिल हो गया ना, 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, cos 60 से 1/2 हो गया और 2 और 2 इधर से हट गया. तो फाइनली वी विल गेट IL इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ IPH. तो ये सिर्फ डेल्टा पे एप्लीकेबल है और डेल्टा के भी बैलेंस सिस्टम पर एप्लीकेबल है, ठीक है. सो दिस इज द केस फॉर अ थ्री फेज बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम. तो अगर आपका सिस्टम सिमेट्रिकल है और कनेक्शन डेल्टा टाइप है तो वहां लाइन करंट जो होगी वो रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेस करंट हो जाएगी, IL विल बी रूट थ्री टाइम्स ऑफ IPH. ये सिनारियो है. तो अब इस पूरे का बस ग्राफ बनाइएगा, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. तो आप अपने आंसर शीट में ये सब पूरा का पूरा लिख रहे होंगे. अब इसके बाद एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है. फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर रिप्रेजेंटेशन फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन एंड फेज करेंट्स, लाइन एंड फेज करेंट्स फॉर अ थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, बैलेंस थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, ठीक है. अब देखिए इसका फेजर कैसे बनेगा. तो फेजर बनाने का सबसे पहला नियम आपको यह पता रहे कि क्वांटिटीज में रिजल्टेंट कौन है और कंपोनेंट कौन है, ठीक है. कौन कौन सी क्वांटिटीज कंपोनेंट है और कौन कौन सी क्वांटिटीज उसमें से रिजल्टेंट है. तो पिछले पेज में चलते हैं, इसमें देखिए आपको दिख जाएगा कंपोनेंट. ये देखिए ये कंपोनेंट है और इसका रिजल्टेंट है लाइन करंट, कंपोनेंट आर फेस करंट्स, ठीक है. तो सभी फेस करंट सबसे पहले तो बना लेते हैं हम लोग, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इस पेज पर ले आते हैं. तो सबसे पहला काम जितने भी फेस करंट है उसको शो करना है, फेस करंट शो कर देते हैं. कौन कौन से फेस करंट है देखिए सीक्वेंस क्या है मैं बता देता हूँ, आर वाई बी, पॉजिटिव फेस सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं. और R को ही हम लोग लिखते हैं 1, Y को लिखते हैं 2 और B को लिख रहे हैं 3. तो सीक्वेंस क्या है सबसे पहला मैं बता देता हूं आपको. सबसे पहले जो ड्रॉ होगी जो करंट वो होगी I12, सबसे लीड करती हुई करंट I12. चलिए ये ड्रॉ कर लिया, इसका नाम भी लिख दिया I12, ठीक. इससे 120 डिग्री पीछे नेक्स्ट करंट कौन सी होगी, I23. ये पूरा का पूरा इसी फेस सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है. तो इससे 120 डिग्री अपार्ट नेक्स्ट करंट इज I23. इससे फिर 120 डिग्री दूर यहां पर कौन सी करंट है, I31. तो तीनों करंट्स बन गई, तीनों के वजह से जो फेस डिफरेंस एंगल मिला वो कितने कितने का मिला, सब जगह 120 डिग्री, ठीक. अब इनका एंटी फेज बनाना है क्योंकि हर जगह देखिए इनका एंटी फेज भी अवेलेबल है, माइनस I12, माइनस I23, माइनस I31. तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में आप इंक्रीज कर दीजिए, इसको रिवर्स डायरेक्शन में इसको और एक्सटेंड करिए. तो इसको एक्सटेंड किया तो ये बन जाएगा कितना, दिस विल बी माइनस I12. सेकेंड इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने तो ये बन जाएगा माइनस I23, और इसे एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे तो ये बनेगा माइनस I31, ठीक. इनके बनते ही ये जो फेज एंगल था 120 डिग्री का, अब ये 60 और 60 डिग्री में बढ़ जाएगा. तो दिस विल बी 60 डिग्रीज, ये पोर्शन भी 60 डिग्री का, सिमिलरली इतना पोर्शन भी 60, ये भी 60. तो जो हम लोगों ने अजम्पशन किया था डेरिवेशन के समय, उस अजम्पशन में जो 60 डिग्री पुट किया फाई को, उसको आप रिलेट कर सकते हो यहाँ से, उसका रीज़न आपको यहीं से मिल जाएगा इसी कंडीशन से, ठीक है. फेजर बन गया सगुन का, क्या बात है. बस फटाफट से हम लोग भी कंप्लीट करते हैं, फिर ये लेक्चर एंड हो जाएगा, फिर हम लोग का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा. चलिए तो IR का एक्सप्रेशन कैसे बताओगे, IR कहाँ कहाँ पे, I31 और माइनस I12 के बीच, I31 और माइनस I12 के बीच क्या है, IR है. पैरलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन आपको अप्लाई करना है, उसी के बेसिस पे पूरा डेरिवेशन किए थे, ठीक है. तो पैरलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाने के लिए आप इन पोर्शंस को, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करेंगे पैरेलल टू द सेगमेंट ऐसे,
ठीक, और इनका जो रिजल्टेंट आप बताएंगे वो यहां से बनेगा ऐसे। सो दिस रिजल्टेंट विल बी व्हाट, ये जो रिजल्टेंट निकल के आया है ये आपका लाइन करंट है आई आर। ठीक है, आई वाई कहां पे बन रहा है? तो आई वाई जो है ये आई वन टू और माइनस आई टू थ्री के बीच में है, आई वन टू और माइनस आई टू थ्री के बीच में बना है। ठीक है, बनाते हैं चलिए इसको भी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रॉपर हमको इसमें अप्लाई करना है। ठीक, इनका भी जो मीटिंग पॉइंट है उस पर बना देते हैं हम लोग। ये लाइन करंट, कौन सी लाइन करंट है ये? दिस लाइन करंट इज आई वाई, और तीसरी वाली जो लाइन करंट है वो कहाँ पे बनेगी? देखिए आई बी, दिस इज बिटवीन आई टू थ्री एंड माइनस आई थ्री वन, तो आई टू थ्री हो गया और माइनस आई थ्री वन हो गया। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। ठीक है, और यहां से इस तरीके से। अब इनका जो मीटिंग पॉइंट है यहां पर करंट लगा देता हूं मैं, कौन सी करंट है ये? दिस इज आई बी करंट। ठीक है, ये करंट आई बी है, तो कंप्लीट इसका पोर्शन इसी के साथ। इन सबको डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस करना जरूरी है ऐसे, तो ये आपका फेजर डायग्राम बन जाएगा। और फेजर के साथ साथ एक और चीज कि जो डिफरेंस दिखाई देगा आपको एंगल में यहां पर, वो 30 डिग्री का डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, ये 30 डिग्री में इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि जब आप ये बनाएंगे ना, जब आप टू वॉट मीटर मेथड पे पहुंचेंगे तो वहां पे इस 30 डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे देखिए 30 डिग्रीज, इधर भी एंगल कितना है? 30 डिग्री का। इस पोर्शन में भी एंगल 30 डिग्री का है, यहां पर भी एंगल 30 डिग्री का ही है, इन सब पे भी यही हाल है, 30 एंड 30 डिग्रीज। तो एंटी फेज के साथ है ना, अपोजिट सेगमेंट में, या आप देखें कि आई आर यानी कि इस लाइन करंट और इस एंटी फेज के साथ या इस सेकंड वाले फेज के साथ जो फेज डिफरेंस एंगल है वो 30 डिग्री का है। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, ये पूरा आप इसके अंदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा देख करके बता सकते हैं। जब टू वॉट मीटर मेथड यूज करेंगे पावर मेजरमेंट का, उसमें इसी फेजर की जरूरत पड़ेगी आपको दोबारा से। तो एक बार जल्दी से बताइएगा, सभी का फेजर ऐसा बन गया? सबने खुद से बना लिया ना ऐसा वाला फेजर, है ना? इस तरीके का फेजर बनना जरूरी है। ठीक है, तो ये फाइनल रिलेशन है। तो डेल्टा की कंडीशन पे हम लोगों ने देखा। अच्छा, अगर कोई आपको बोले कि वोल्टेज का फेजर बनाओ इसी में, तो कैसा वोल्टेज का फेजर बनेगा? बहुत आसान है, ऐसा बनेगा वोल्टेज का फेजर। देखिए, क्योंकि आपकी लाइन और फेज वोल्टेज दोनों तो इक्वल है ना, तो जो आपकी लाइन वोल्टेज है वही फेज वोल्टेज है। तो आप लिखोगे वी वन टू इज इक्वल टू वी आर वाई, इधर लिखोगे वी टू थ्री इज इक्वल टू वी वाई बी, इधर लिखोगे आप वी थ्री वन इज इक्वल टू वी बी आर। कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर, कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, ये सब एक दूसरे से 120 डिग्री ही अपार्ट है, कोई 60 या 30 का चेंज नहीं है यहाँ पे। ऐसा बन जाएगा इसका फेजर डायग्राम। ठीक है, ये फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर है, मैग्नीट्यूड में भी, फेज एंगल वाइज भी। तो बस फेज एंगल वाइज भी आपने ऐसा ट्रेस कर दिया, मैग्नीट्यूड वाइज भी ट्रेस कर दिया, ऐसा रिलेशन बनेगा। सेम ऐसे ही आप लाइन वाले कंडीशन पर भी बनाएंगे। वोल्टेज कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा फेजर पे? अच्छा, जस्ट यही मैं बता रहा था अभी। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम लोग उसको शुरू करेंगे, मैग्नेटिक्स को शुरू करेंगे, मैग्नेटिक सर्किट खत्म करके फिर ट्रांसफार्मर शुरू करेंगे हम लोग अगला। ठीक है सगुन, तो ये वाला फेजर जो है इस तरीके से, करंट जो स्टार का कंडीशन है उसमें करंट का भी फेजर सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा इसी फॉर्म में। तो डेल्टा के केस में हम लोगों ने क्या का कंक्लूजन देखा? देखिए डेल्टा में क्या क्या कंक्लूजन देखा हम लोगों ने, वोल्टेज का रिलेशन अगर आप देखो तो वी एल इक्वल टू वी पी एच बनता है, करंट का रिलेशन देखोगे तो आपको मिलेगा आई एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स आई पी एच। ये डेल्टा का कंक्लूजन है, फाइनल समरी, इतना रिलेशन मिल गया। और वही स्टार का केस है होगा तो क्या मिलेगा आपको? देखिए अगर स्टार कनेक्शन है तो इसमें हम लोगों ने देखा कि आई एल जो है लाइन करंट फेस करंट के बराबर होती है इसमें, लेकिन लाइन वोल्टेज जो है रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज होता है। मीन वाइल ये जितना भी डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जितना भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, चाहे आई एल लिखा हो, आई पी एच लिखा हो, वी एल वी पी एच जो भी लिखा है, मैग्नीट्यूड सबका आर एम एस ही है। इन सब का मैग्नीट्यूड बाय डिफॉल्ट आर एम एस फॉर्म में ही है, तो न्यूमेरिकल बनाने के समय उसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। मशीन डिटेल में पढ़ेंगे ना, मशीन में डीसी मशीन से शुरुआत होगी, बेसिकली ट्रांसफार्मर से ही शुरुआत हो जाएगी मशीन की। तो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, फिर डीसी मशीन पढ़ेंगे, फिर इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे, फिर सिंक्रोनस, ऐसा है। तो पहले मेजर पोर्शन ट्रांसफार्मर का रहेगा, फिर डीसी मशीन का रहेगा, फिर बाकी चीज़ें, उसी सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे हम लोग, है ना, उसी ऑर्डर में ही पढ़ेंगे।
क्लियर। तो इसी के साथ आपका स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन का पोर्शन होता है कंप्लीट, और अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। तो स्टार डेल्टा का बेसिक्स, उसके अलावा पावर का कैलकुलेशन जो है वो देखेंगे, पावर का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्टार एंड डेल्टा या लाइन एंड फेज, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ना, अगले दिन की क्लास में यानी कि कल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर कैलकुलेशन, पावर इन थ्री फेज एसी, ये अगली क्लास में पढ़ने वाला टॉपिक है, ठीक है। ये पावर का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, फिर पावर का मेजरमेंट आपको मैं बताऊंगा कि पावर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बन जाएंगे। क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं मशीन में, हाँ तो बनने लग जाएंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मशीन एकदम मस्त तरीके से मैं कराऊंगा आप लोग को। क्योंकि देखिए जेई एग्जामिनेशन में मशीन का भी थ्योरिटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गेट वगैरह के लिए आप पढ़े तो मशीन का एफिशिएंसी का, वोल्ट वी आर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, या बैक ईएमएफ निकाल रहे हैं, टॉर्क इक्वेशन निकाल रहे हैं, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। जेई एग्जामिनेशन में बहुत लिमिटेड लेवल का न्यूमेरिकल आता है, बाकी थ्योरिटिकल पोर्शन से, प्रैक्टिकल पोर्शन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग पूरा का पूरा चीज़ करवाऊंगा कंप्लीट, एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व वगैरह जो भी पूरा पोर्शन आता है ना, वो सब कुछ बेस्ट वे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज का सेशन अब यहीं पर मैं एंड अप कर देता हूँ, और हाँ इसके बाद 11:30 AM आज ही स्पेशल क्लास है आप लोगों की, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही स्पेशल क्लास है उन बच्चों के लिए जो SSC JEE 2023 के लिए पढ़ना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लास है अनअकैडमी ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बच्चा देख सकता है, सभी के लिए है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे SSC JEE की तैयारी करने के लिए, तो स्पेशल क्लास, एक CTQ सेशन चलता है ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे का, उस CTQ सेशन के साथ कंजंक्शन में चल रही है स्पेशल क्लास। तो स्पेशल क्लास में आप कंटेंट पढ़ेंगे और CTQ में आप उसके क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसा है, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी सब नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग सब कनेक्ट हुए इतनी देर तक, और छुट्टी के दिन भी आपने मॉर्निंग में टाइम निकाला, इस सबके लिए सभी को बहुत सारा थैंक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली हार्ट्स। मिलते हैं आप सभी से कल के सेशन में, टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।